देश की जनता को क्या क्या सपने नहीं दिखाए गए, अच्छे दिन, मेक इन इंडिया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और अब आत्मनिर्भर भारत जैसे देश के। जो देश के अब के हालात हैं उससे ये तो साफ है कि देश की जनता अपनी मदद खुद ही कर रही है, सरकार कुछ भी करती हुई नजर तो नहीं आ रही। मोदी जी ने एक बयान दिया था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। शायद मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। हमने इस बयान का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इन दिनों उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में बड़ी संख्या में शवों के तैरने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि गांवों में कोरोना की वजह से लोगों की मौत हो रही है और लकड़ियों की कमी या अन्य कमियों की वजह से लोग शव को गंगा में प्रवाहित करने को मजबूर है। वहीं अब गंगा किनारे रेत में भी शवों को दफ्न करने की बातें सामने आ रही हैं। इसी बीच दैनिक भास्कर ने अपने ग्राउंड रिपोर्ट में बताया है कि यूपी के 27 जिलों में 1140 किलोमीटर की दूरी में 2000 से ज्यादा शव पानी पर तैर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर, कन्नौज, उन्नाव, गाजीपुर और बलिया में हालात बेहद खराब पाए गए। कन्नौज में गंगा किनारे 350 से ज्यादा शव दफ्न है। वहीं कानपुर में गंगा किनारे और पानी में लाशें ही लाशें नजर आईं। कुछ जगहों पर लाशों को कुत्ते और चील कोए नोच रहे थे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि प्रशासन उन लाशों पर मिट्टी डालने का काम कर रहा है। इस मुद्दे पर अधिक जानकारी एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी दी। उधर बिहार के बक्सर और यूपी के गाजीपुर जिले के गहमर के पास गंगा में कई लाशें बहती हुई मिली हैं। इनकी संख्या 40 से लेकर 100 से अधिक तक बताई जा रही है। ये सिर्फ कहीं से बहती चली आ रही लाशें नहीं है, बल्कि एक आंकड़ा भी है जो मुमकिन है सरकारी रिकॉर्ड से गायब हो, जिसे मुमकिन है ऑक्सीजन ना मिला हो, हॉस्पिटल ना मिला हो, वेंटिलेटर ना मिला हो। दो राज्यों के प्रशासनों के बीच इस बात को लेकर विवाद है कि लाशें उनके यहां से नहीं बहाई गई हैं, कहीं और से बहाई गई हैं। इसलिए कहता हूं कि आज के भारत में आंकड़े शमशान में मिलते हैं, सरकार के पास नहीं मिलते हैं। क्या पता कोई आर्थिक तंगी की वजह से अंतिम संस्कार ना कर सका हो। बिहार सरकार ने कहा है कि 71 लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। यूपी सरकार को सतर्क रहना चाहिए। यह भी मुमकिन है कि इतनी मौतें हो गई हों कि जलाने की जगह और सामग्री कम पड़ गई हो और लोगों ने लाशों को बहा दिया। इस रिपोर्ट को लेकर विपक्ष भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट में लिखा, 2000 से अधिक शव गंगा में, इतनी गरीबी है कि मृतकों के परिजनों के पास जलाने के लिए लकड़ी और कफन खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए शवों को गंगा जी में बहा दे रहे हैं या दफन कर रहे हैं। कथित नीति आयोग सरकारी संपत्ति के एवज में इस पर भी कोई निजीकरण की योजना बनाने में व्यस्त होगा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, जो कहता था गंगा ने बुलाया है, उसने माँ गंगा को रुलाया है। यह सब मौतें रोकी जा सकती थी, इनमें से अधिकतर मौतें रोकी जा सकती थी। यह मौतें कोई कोविड से नहीं हुई, ये कोविड के कुप्रबंधन से मौतें, यह बात सबको मालूम है। आप सब मीडिया के साथी यह बात बार बार यह सवाल उठाते हैं, इससे लोगों में भी यह ज्ञान है कि यह मौतें रोकी जा सकती हैं। ऑक्सीजन की कमी एक मानव निर्मित कमी, ऑक्सीजन की कमी इस देश में नहीं थी। ऑक्सीजन अस्पतालों में खत्म हो जाए, अंदर जो मरीज हैं वो मर जाएं, बाहर इंतजार कर रहे हैं भर्ती होने की, यह नजारे इस देश ने नहीं देखे। यह सब रोका जा सकता, जरूरी दवाइयों के लिए लोग भटक रहे हो दर दर, उन्हें दवाइयां समय पर नहीं मिल रही हो, जाने जा रही हो, यह रोका जा सकता था। अब मोदी जी कहाँ हैं और अब वे गंगा नदी का दौरा करने क्यों नहीं गए? अगर कोरोना है तो बंगाल में चुनाव क्यों करवाए? ये सवाल देश पूछ रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर आएगी, ऐसे एक्सपर्ट्स पहले ही चेतावनी दे चुकी थे, तो कुंभ मेले की इजाजत क्यों दी गई? और इसके अलावा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में हर दिन 4000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं, तो मीडिया अब कहाँ है जब गंगा नदी में लाशें बहती हुई साफ दिखाई दे रही हैं? गंगा के किनारे कब्र बन रही हैं। अगर सरकार इसकी जिम्मेदार है तो मीडिया उससे सवाल क्यों नहीं करता, जबकि मरकज से कोरोना फैलने की खबर को मीडिया कोरोना से हाथ बताकर कई दिनों तक डिबेट करता रहा था। अब तक हमने कोरोना को महामारी बनने नहीं दिया था, जी हाँ ये सच है, लेकिन जमातियों की बेवकूफी ने कोरोना की रफ्तार बढ़ा दी है।
जमातियों के साथ देश के 14 राज्यों में कोरोना फैल गया है। हैरानी ये है कि 24 घंटे में 332 मामले सिर्फ इन जमातियों की वजह से बढ़े। तक भारत अपने संयम और संकल्प से कोरोना वायरस के सामने एक दीवार बनकर खड़ा रहा, लेकिन इस दीवार को पिछले कुछ दिनों में एक दूषित सोच के वायरस ने कमजोर कर दिया, और ये सोच तबलीगी जमात के लोगों की है। इट्स अबाउट द इनडिसेंसी, व्हाई शुड वी पुट अप? टेल मी फिरोज जी, व्हाई शुड डिसेंट पीपल पुट अप विद दिस इनडिसेंसी? दीस पीपल नीड टू बी द हेल्थ वर्कर्स, इफ दे नीड टू फेस द स्टिक, व्हाई शुड वी गिव देम द कैरट एनीमोर? I said, bring out the strong arm of the law right now. Bring it out. And the people of India will support every action of the government. We are not going to plead to these people anymore, R.B. Firoz Bhakht Ahmed. UPSC jaisi parikshaon ko jihad se jodkar kai dino tak us par bhi debate ki gayi thi. Sarkari naukar shahi mein musalmanon ke ghusbaith par bada khulasa. Aakhir achanak musalman IPS IAS mein kaise badh gaye? Sabse kathin pariksha mein sabse zyada marks और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान। तो अब देश को चलाने वाली सरकार से सवाल क्यों नहीं किए जा रहे? मीडिया को लेकर टिप्पणी वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने अपने वीडियो में की और सरकार पर सवाल भी उठाए। मोदी उस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं जहां उन पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। मीडिया की तो हिम्मत नहीं है, ज्यादातर बड़ा तबका मीडिया का। वो उन्हें महान बना सकता है, महिमा मंडन कर सकता है, उन्हें विश्व गुरु बना सकता है, उन्हें वैक्सीन गुरु बना सकता है, उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता साबित कर सकता है, उनकी छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा करके दिखा सकता है, उनकी छोटी छोटी घोषणाओं को भारत के लिए गेम चेंजर बता सकता है, मास्टर स्ट्रोक बता सकता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी की नाकामियों की बात आती है तो सब शुतुरमुर्ग बनकर रेत में मुंह छिपा लेते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही बीते 4 हफ्तों से हो रहा है। उस दौर में भी चैनलों ने सवाल नहीं खड़े किए जब बंगाल में रैलियां हो रही थी, और इस दौर में भी सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में, बिहार में लाशें गंगा में बहती हुई, कई जिलों से गुजरती हुई, दो सूबे की सरहदों को पार करती हुई तैर रही है। सरकार ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, लेकिन अब देश में वैक्सीन की कमी दिखाई दे रही है। सरकार ने 6.5 करोड़ वैक्सीन का निर्यात किया था। अब जब देश में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है तो विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कपड़े से ज्यादा बिक गया बाजार में कफन, हाकिम ये कह रहा है कि सब ठीक ठाक है। साथियों, आप लोगों ने एक मुहावरा सुना होगा, चोरी और सीनाजोरी। यही हालत इस समय मोदी सरकार की है। हिंदुस्तान के लोगों की 6.5 करोड़ वैक्सीन मोदी जी ने विदेशियों को बेच दी, 93 देशों को बेच दी। देश के लोग वैक्सीन लगाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, घंटों इंतजार करने के बाद केंद्र बंद किए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम पर ऑनलाइन व्यवस्था है और आम आदमी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहा है। और इस वैक्सीन के संकट के खिलाफ अगर लोगों ने पोस्टर लगाकर विरोध दर्ज करा दिया तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा। ये किस प्रकार की तानाशाही है? ये किस प्रकार की चोरी और सीनाजोरी है? आप हिंदुस्तान के लोगों की 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशियों को बेच दे, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं, वो अपराध नहीं, लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई पोस्टर लगा के अपना विरोध दर्ज कराता है तो उसको आप उठाकर अंदर कर लेंगे। इस मुद्दे पर कुछ सवाल वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने भी उठाए और सरकार से कुछ तीखे सवाल भी किए। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यूएन में हमारे एम्बेसडर नागराज नायडू ने बाकायदा यह बयान दिया था कि हम दुनिया को उतनी वैक्सीन दे रहे हैं जितनी वैक्सीन हम भारतीयों को नहीं दे रहे हैं। यह आपने जोर शोर से ऐलान किया था, प्रधानमंत्री का यह बयान दिए अभी अप्रैल में उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने इस बयान में कहा है कि हम लोगों ने बगैर वैक्सीन पर कोरोना पर जीत हासिल कर ली। हकीकत से दूर इस तरह से किसी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है क्या? और फिर आप लोग गिरफ्तार करते हैं उन लोगों को जो लोग यह सवाल उठाते हैं कि मेरे बच्चों के लिए या मेरे मां बाप के लिए जो वैक्सीन है आपने विदेशों में क्यों भेज दी।
प्रधानमंत्री ने इसलिए ऐलान किया था क्योंकि वो दुनिया भर में या भारतीय जनता पार्टी दुनिया भर में प्रधानमंत्री की वैक्सीन गुरु के तौर पर छवि पेश करना चाहती थी। अब हमारे देश के हालात क्या से क्या बन चुके हैं, लोग ऑक्सीजन बेड्स वैक्सीन की कमी से तो परेशान है ही, पर दिन प्रतिदिन देश में महंगाई भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को राम भरोसे बताया था, ऐसा लग रहा है कि पूरा देश ही अब राम भरोसे चल रहा है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।